सड़क पर उतरे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और जबरदस्त प्रदर्शन। तस्वीरें रीवा की, पुलिस की पानी की बौछार, वाटर कैनन का इस्तेमाल और सामने डट गए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें रीवा से है। जैसे मैंने आपको बताया, कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे थे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, उस दौरान हो गया बवाल। पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। जैसा कि रीवा कांड आपको पता है, जिसकी पूरे देश में चर्चा है, महिलाओं पर दबंगों ने जिस तरह कहर बरपाया वो सामने आया और उसके बाद सवाल उठने लगे। कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है। यही वजह है कि युवा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जमा हो गए रीवा में और ये जा रहे थे कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने, अपना प्रदर्शन करने के लिए। पुलिस को पहले से जानकारी थी। यही वजह है कि चौराहे पर पुलिस पहले से सैकड़ों की संख्या में तैनात हो गई थी। इनको रोकने की कोशिश की गई, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसी स्थिति में वाटर कैनन यानी पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। बल प्रयोग भी यहाँ पर पुलिस ने किया, क्योंकि कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जैसा मैंने आपको बताया कि रीवा में महिलाओं पर दबंगों के कहर का मामला पूरे मध्य प्रदेश में सियासी तौर पर गर्मा चुका है। इतना ही नहीं, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी प्रदर्शन के लिए आगे निकले थे। यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस पर वो अपनी बात रखने जा रहे थे, उससे ठीक पहले इस तरीके की स्थिति निर्मित हो गई यहाँ पर कि बवाल हो गया, हंगामा हो गया। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के सामने डटे रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। पुलिस से इनकी भिड़ंत भी हुई, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर बल प्रयोग शुरू कर दिया था युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर। कांग्रेस सड़कों पर उतरी है मध्य प्रदेश में, और खासतौर से ये रीवा का मामला था, तो रीवा में युवा कांग्रेस ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर ली थी। और यही वजह है कि सरकार को घेरने के लिए कलेक्ट्रेट में पहुंचना चाह रहे थे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेकिन ठीक उससे पहले पुलिस से उनका सामना हो गया। जैसा मैंने पहले भी बताया, मध्य प्रदेश में सियासी तौर पर बड़ा मुद्दा बन चुका है महिलाओं को मुरम में दबाने वाला वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि सीएम ने इस पूरे मामले में एक्शन लेने के निर्देश पहले ही दे दिए और इनमें से जो मुख्य आरोपी है उसको छोड़ बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। यही वजह है कि वह कांग्रेस कार्यकर्ता इस पूरी मांग को लेकर के मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, तमाम चीजों को लेकर अपना प्रदर्शन करने के लिए निकले थे। बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस को इस मुद्दे के जरिए सरकार को घेरने का मौका मिला है। यही वजह है कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की। रीवा से आप तक खबर पहुंचाई विजय कुमार विश्वकर्मा ने, आप देखते रहें एमपी तक।